बच्चों 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन बेटा, 6 नंबर में है, राइट द न्यूमरल फॉर, बेटा हमको न्यूमरल लिखना है, क्या लिखना है, न्यूमरल लिखना है बेटा, बेटा द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, क्या हो जाएगा बच्चों? हमने बताया था जब भी क्या लिखना हो, लार्जर लिखना हो तो क्या करना है, बताए थे हम कुछ? यस सर। बताओ बेटा क्या हो जाएगा सर? बेटा 6 डिजिट की, 6 डिजिट की, हाँ वो 9 9 6 हो जाएगा। हाँ 9 टाइम 6 हो जाएगा, कितने टाइम, 9 टाइम 6, वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड। बच्चों समझ में आ रहा है? सब लोग बोलिए यस सर। यस सर। नोट कर लीजिए, फिर समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए, जिसको प्रॉब्लम पूछ लीजिए वो इतना नोट कर लीजिए। नोट हो गया बच्चों? यस सर। अब बच्चों अब इसी का नेक्स्ट है, इसी का नेक्स्ट है, आगे नेक्स्ट क्या है, बच्चों बी नंबर है, द स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा साक्षी, आकाश, पलक, सब बताइए लोग। सर 5 बाय 9 सर, 5 हाँ साक्षी बताओ, 501 वन के साथ 50, सही कह रही हो, 1750 बताए थे बच्चों? यस सर। बताए थे ना, जब इस मॉडल लिखना हो तो किसको कौन सा रूप लिखना होता है, 100 को रूप लिखना होता है, 100 को फॉर्म लिखना होता है बच्चों, ओके 100 जो कितने जीरो होंगे, जितने जितने डिजिट पूछा होगा उससे कम, यहाँ पे 6 डिजिट पूछा था, 6 से कम कितना होता है, 5, 5 जीरो लगा दिया, नोट कर लीजिए।
बिल्कुल बच्चों सर ओके सेवन नंबर में आते हैं सेवन नंबर में सेवन नंबर बच्चों क्या है राइट द ईच ऑफ फॉलोइंग राइट द नेक्स्ट फोन नंबर बच्चों सबके लिए क्या लिखना है उनके आगे आने वाले फोन नंबर ठीक है फोन नंबर लिखने हैं क्या आगे कौन सा नंबर आएगा क्या आगे कौन सा नंबर आएगा कौन आएगा फिर कौन आएगा बताना बच्चों बताइए यहाँ कौन सा नंबर आएगा सर इसमें 1 ऐड करना है हाँ सब में 1 ऐड करते जाओ बेटा यहाँ पे 1 ऐड करके लिखो फिर वहाँ ऐड कर 1 सर पीछे 2 हो जाएगा हाँ 6 1 3 सब कुछ समझ में आ रहा है सब लोग बोलिए बेटा हाँ बेटा और सर बगल सर 5 वेरी गुड नोट कर लो बच्चों सेवन नंबर क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट हो जाएगा सेवन नंबर क्वेश्चन आसान है बहुत कंप्लीट हो जाएगा नोट कर लीजिए नोट कर लीजिए बच्चों हाँ बच्चों हो गया चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 में एक्सरसाइज 2.2 में चलते हैं ओके एक्सरसाइज 2.2 में आइए बच्चों एक्सरसाइज नंबर 2.2 पेज नंबर 14 ओपन करो बच्चों पेज नंबर 14 ओपन कर लिया बेटा ओके बेटा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है फिल इन द ब्लैंक क्या है फिल इन द ब्लैंक है बेटा फर्स्ट पेज नंबर देखिए Thank you.
बच्चों है सर क्वेश्चन में लैक्स कितने हैं, लैक्स कितने बताइए, कितने लैक हैं? सिक्स लैक है ना। देखिए वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक, लैक पे क्या है सिक्स है, सिक्स थाउजेंड लैक हो जाएगा बेटा। टेन थाउजेंड कितने, टेन थाउजेंड कितना है? आप साक्षी हो किसी राज? वन बेटा वन बेटा, ये थाउजेंड प्लेस का है, ये टेन थाउजेंड है, थाउजेंड प्लेस बेटा थाउजेंड भरेंगे और करेंगे बेटा वन हो जाएगा। थाउजेंड कितना बच्चों, थाउजेंड कितना है, थाउजेंड कितना बेटा, थाउजेंड बेटा फाइव है, थाउजेंड कितना बेटा, वन टेन हंड्रेड थाउजेंड, थाउजेंड फाइव है, टेन थाउजेंड वन था, टेन थाउजेंड वन था बच्चों और थाउजेंड फाइव हो जाएगा। हंड्रेड कितना है, सेवन। अनन्या सिंह बताइए, अनन्या सिंह शांत रहिए, सब लोग शांत रहिए, अनन्या बताइए, पता है ईशा कुमारी? हाँ बताओ बेटा ईशा। सर हंड्रेड में सेवन होगा। हाँ वेरी गुड। अनन्या अनन्या पलक यस सर, बताइए कितना होगा हंड्रेड में? मैम सर सेवन। रूपाली बताइए टेंस में कितना होगा, टेंस में? टेंस में कितना होगा बेटा रूपाली, यहाँ पे कितना होगा सर? वन। रूपाली सर वन होगा। रूपाली हो बेटा आप? वन। नाम ले जिसका वही बताए बेटा, सब लोग बोलते रहते हो आप, नाम ले बेटा वही बोले ना। अब बेटा वन में कितना हो जाएगा बताइए, सब लोग बताइए, सब लोग वन में कितना हो जाएगा? सबको समझ में आया? साक्षी समझ आया? यस। और अनन्या समझ आया? नोट कर लो बच्चे, नोट कर लो। बेटा इसका बी नंबर भी ऐसे ही एक हो जाएगा आप लोग का, ठीक है? बी नंबर कर लीजिएगा आप लोग घर पर, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू में, क्वेश्चन नंबर टू में चलते हैं हम लोग, इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू में, ओके बच्चों आइए देखते हैं। ये हो गया है, नोट हो गया, नोट हो गया सबका? यस सर। ओके बच्चों क्वेश्चन नंबर टू है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। जो बेटा सर्कल डिजिट होगा उसको क्या करना है, आपको प्लेस वैल्यू बताना है। सही है, प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? सर्कल किसने किया, हमने हमने किस पे सर्कल किया पहले बताइए, हमने किस पे सर्कल किया है?
हाँ बेटा क्या हो जाएगी प्लेस वैल्यू? और लोग बताइए, और लोग बताइए, सब लोग बताइए, सब लोग बताइए। आप लोग बोलिए बेटा, आप लोग नाम नहीं लेते, आप लोग बोलते ही नहीं हो। नहीं बोलोगे क्या? सब लोग बोलिए। रूपाली, पलक, ऋषिराज, अनन्या सिंह, सब लोग बोलिए। सर इसकी बुक में तो दुकान लिखा हुआ है। हाँ बेटा। हाँ मैम। सर इसकी बुक में तो टू नंबर दूसरा लिखा हुआ है, 5219। मैम 2.2 का है, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का हमने दिया है पहला क्वेश्चन। मैम नंबर अगर बदल गया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मे बी प्रिंटिंग में मिस्टेक हुआ हो, बाकी आंसर तो सही है ना। देखो बच्चों हमको क्या बताना था, हमको बताना था प्लेस वैल्यू किस प्लेस पे है, इंटेंस प्लेस पे। बच्चों क्या हो जाएगा देखिए, इसको करने का तरीका ये है बेटा, किस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे बेटा। 6 को मल्टीप्लाई 10 से लगा दे बेटा, 6 को मल्टीप्लाई 10 से, क्योंकि टेंस प्लेस पे है। अगर 100 प्लेस होता तो किससे मल्टीप्लाई करते, 100 से, 1000 प्लेस होता तो 1000 से, पर 100 प्लेस में ना 10 प्लेस पे ना 10 से किया, क्या हो गया वैल्यू 60 हो गया। नोटेड बच्चों, नोट कर लीजिए। अब चलते हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर बी में चलते, बी में हो गया ना। नंबर बी है बच्चों, 843 127। बच्चों सर्कल हुआ है इसमें एक पे, कहाँ सर्कल हुआ है, एक पे सर्कल हुआ है। ओके तो बच्चों एट की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए आप लोग, सब लोग बताइए, सब लोग एक साथ। हाँ तेज बोलिए, तेज बोलिए लाउडली। 80 हो जाएगा बेटा, कहाँ पे है देखिए, 850 बेटा, कौन सी प्लेस पे है 8 देखिए, पहले प्लेस देखिए करिए, 8 कौन सी प्लेस पे है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 50 लाख प्लेस पे बेटा, लाख प्लेस पे है, कौन सी प्लेस पे है, लाख प्लेस पे। क्या करेंगे बच्चों, 8 के आगे जितने नंबर है उतने जीरो लगा दो, 5 जीरो, क्या हो जाएगा 8 लाख, क्या हो जाएगी प्लेस वैल्यू उसकी, 8 लाख। नोट कीजिए बच्चों, नोट करिए बच्चों इसको। बेटा समझ में आया सबको, बेटा ये क्या है, पोजीशन इसकी क्या है, पोजीशन इसकी लैक है, तो क्या करेंगे, 8 के आगे जितने नंबर से उतने जीरो लगा दो, 8 के आगे जितने नंबर से उतने जीरो लगा दो बच्चा, हो जाएगा कंप्लीट काम, ठीक है, आसानी से हो गया। नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लोगे आप लोग पूरा? यस सर। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3 चलें बेटा। 4000 बेटा आप लोग करिएगा क्वेश्चन नंबर 2, जो भी प्रॉब्लम रहेगी हम बताएंगे आप लोग को, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म, हमको किस फॉर्म में लिखना है,
एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है बच्चों। एक्सपेंडेड मतलब होता है फैला हुआ रूप। चलिए देखते हैं हमको क्या करना है बेटा। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। देखो बेटा ये कौन से फॉर्म में होगा क्वेश्चन? क्वेश्चन है शॉर्ट फॉर्म में। क्वेश्चन क्या है? जो कुछ नंबर लिखे हैं बेटा वो शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, उसको हमको क्या करना है? एक्सपेंड कर देना, फैला देना है। ठीक है, ठीक है। जैसे बच्चों हमारा लिखा हुआ है 3 6 2 3 5 0। ओके, नाउ हम क्या करेंगे? इसको एक्सपेंड करेंगे। क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे बच्चों। ये हो जाएगा, देखिए देखिए करने का तरीका देख लीजिए, आसान है बहुत। सबसे पहले कौन सा नंबर लिखेंगे लेंगे हम? सबसे पहले हम लोग लास्ट डिजिट का नंबर लेंगे। सबसे लास्ट में कौन है? ये 3। इसको नोट करो। इसके आगे जितने नंबर बच्चों जितने नंबर हो उतने 0 लगा दो। 1 2 3 4 5 5 0 लगा दो। जितने नंबर है उतने 0। क्या लगाइए बीच में? प्लस लगाइए। इसके बगल में नोट कीजिए, इसके बगल में क्या है? 6। नोट कीजिए, इसके आगे जितने नंबर उतने 0। 1 2 3 4 4 0। ओके, समझ में आ रहा है सबको? प्लस लिखिए। प्लस लिखने के बाद इसके बाद में कौन 6 के बाद में कौन नंबर है? 2 है। 2 आगे 3 0 तो 3 नंबर है ना? 3 जीरो है ना? वन प्लस क्या है? वन प्लस कुछ है ही नहीं है, जीरो है। जीरो है तो क्या होगा? वो बच्चों खाली रहेगा। ठीक है, हमारा ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। हम प्लस 0 0 लिख सकते हैं। प्लस 0 लिख सकते हैं मतलब कोई मतलब नहीं है उसका। प्लस 0 लिख सकते हैं मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। नोट कर लीजिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। एक्सपेंडेड फॉर्म समझ में आया? एक्सपेंडेड फॉर्म समझ में आया बच्चों? यस सर। सब बताइए, सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए। यस सर। यस सर। ओके, आप लोग बोला करिए बच्चों। आप लोग बोलते हमको अच्छा लगता है। ठीक है, आप लोग बोलते नहीं हो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, बाकी क्लास के बच्चे बोलते हैं, आप लोग नहीं बात करते जैसे इससे। ठीक है, बोलते हैं हमको कम, क्या है हमको कम चिल्लाना पड़ेगा। बोला करिए अच्छे से आप लोग। बच्चों ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने क्या दिया बेटा? सेम तरीके से क्या करेंगे? सब क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लोगे। ठीक है, प्रॉब्लम आई को हम बताएंगे, जिसको जो प्रॉब्लम आई बेटा पूछेगा नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये बेटा देखो, ध्यान से एक बात समझ लो। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा था। किस फॉर्म में लिखा था? शॉर्ट फॉर्म में। हमने क्या किया था? एक्सपेंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में जस्ट अपोजिट है। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा रहेगा, यानी कि बड़ा होता है। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 नंबर में सर वी वाला करवा दीजिए। आवाज कहां से आ रही है बेटा? पल्ला कहां से आवाज आ रही है? जैसे कि क्या बोल बज रहा है सर, पल्ला ध्यान दीजिए। हां बेटा बताइए, रूपाली क्या बात है? बी नंबर का सर। कौन सा? ई नंबर 3 का ई कह दो। 3 का बी। 3 का बी भी बता दें, चलिए भी बता देते हैं। ठीक है, भी बता देते हैं। ओके, बच्चों 3 का भी देख लीजिए आप लोग भी। वन जीरो फोर सिक्स नाइन फाइव बच्चों किस फॉर्म में लिखा है? शॉर्ट फॉर्म में। क्या करना है हमको? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। चलिए लिखते हैं। पहले सबसे पहले हमने क्या बताया? सबसे पहले हम लिखेंगे लास्ट डिजिट।
क्या है? वन है, वन नोट कीजिए आप, सर वन, वन लिखिए, इसके आगे जितने भी डिजिट है, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव जीरो लगा दीजिए। हाँ बच्चों, फाइव जीरो, ये देखिए कॉमा लगा, देखूंगे कॉमा कैसे लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, पहला कॉमा हंड्रेड प्लस पे, सेकंड कॉमा 10,000 प्लस पे, ओके, प्लस लिखिए, तुरंत ही प्लस लगाइए बच्चों, इसके बगल में क्या है, जीरो है, जीरो की क्या प्लस मतलब है, उस प्लस पे कुछ भी नहीं है, उसके आगे कोई भी नंबर लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हम जीरो 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 लिख सकते हैं बट हम लोग लिखेंगे नहीं, हम चाहे तो जीरो लिख सकते हैं बट जीरो, हाँ बोलो बेटा, बोल रहे बेटा बताइए, हाँ 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 फोर लिखेंगे, सही बोल रहे हो, ठीक है, जीरो की कोई वैल्यू है नहीं, हम लोग जीरो नहीं लिखेंगे, फोर लिखेंगे, फोर के आगे कितने नंबर बेटा, फोर के आगे थ्री जीरो, थ्री जीरो लगा दीजिए, ओके, क्योंकि ये कौन सी प्लेस पे है बेटा, ये थाउजेंड प्लेस पे, तो ये हो गया फोर थाउजेंड, देखिए थाउजेंड प्लेस पे फोर थाउजेंड हो भी रहा है, ओके, प्लस लगाइए, आप क्या नोट करेंगे, बोलिए सब लोग बोलिए, क्योंकि हंड्रेड प्लस पे है ना, हंड्रेड प्लस क्या हो जाएगा, सिक्स हंड्रेड, ओके, प्लस जीरो रहेगा, नो सर, जीरो लगाए, नो सर, सिर्फ फाइव, जीरो नहीं होगा, क्यों, वन प्लस पे है ना बेटा, वन प्लस पे नो जीरो, नोटेड बच्चों, नोट कर लीजिए इसको भी, अब इसको आप लोग करिएगा, ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर भी देखते हैं हम लोग, इसलिए लगे हाथ ठीक, वरना टाइम हो जाएगा, ओवर टाइम ओवर होने वाला भी है, चलिए ठीक है बच्चा, क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं अब बच्चों, इसका मतलब क्या था, ये क्वेश्चन नंबर फोर ऐसा है कि हमारा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ था, उसको हमने क्या किया, सॉल्व में किया, सॉल्विंग हमने इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में कर दिया, क्वेश्चन फोर जस्ट अपोजिट है आप इसके क्वेश्चन के, क्वेश्चन फोर क्या है बेटा, एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा रहेगा, आपको क्या करना रहेगा, शॉर्ट फॉर्म में करना है, क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, नोट हो गया बच्चों, इरेज कर रहा हूँ, यस सर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर जस्ट अपोज रहा हूँ क्वेश्चन नंबर थ्री, ये नंबर देखिए लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर फोर पढ़ा देता पहले, राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट टर्म, बच्चा क्या है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, हमारा एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा, हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, चलिए देखिए, पहला लिखा हुआ है फाइव लैख, फाइव लैख, हाँ फाइव लैख लिखा हुआ है, प्लस फाइव लैख प्लस 40,000 दिख रहा है पूरा बेटा, यहाँ तक 40,000 प्लस, सब इसी में है बेटा, सब इसी प्लस इसी में है साथ में, आप लोग इकट्ठा लिख लीजिएगा, 9,000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 6, बच्चों ध्यान दीजिए, चलिए बेटा देखिए कितना लाख है, 5 लाख है, तो बेटा लाख प्लस पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ओके जल्दी लिखते रहिए, उसके बाद बताओ, बताओ बताओ फिर बताओ बताओ फिर सुन लो, उसके बाद ध्यान से सुनना चाहिए, जो पूछा कर उसका जवाब दिया करिए, बताइए लैक के जस्ट अपोजिट में राइट साइड में कौन सी प्लेस होती है, हम क्या पूछ रहे हैं, लैक के जस्ट बगल में राइट साइड में कौन सी प्लेस होती है बेटा, बेटा हमने पूछा लैग के जस्ट राइट कौन सी प्लेस होती है, सही है, 10,000, हाँ बेटा 10,000 तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्या है, 40 है, 4 हो जाएगा, बेटा फिर 1000 प्लेस 9 है, 9 हो जाएगा, 100 प्लेस 3 है, 3 हो जाएगा, 20 प्लेस 2 है, और 6 है, नोट कर लीजिए, टाइम ओवर हो रहा है इसलिए जल्दीबाजी कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कीजिएगा, ओके बच्चों, ओके सर, आज की क्लास यहीं तक, ठीक है बच्चों, बाय बाय सर, बाय बाय सर।